नमस्कार, मैं हूं लुभानो शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। नारेहरा छात्र द्वारा शिक्षक पर की गई फायरिंग मामला सुलझा भी नहीं था कि दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 बिजली पावर हाउस के पास शर्मा पवित्र भोजनालय पर रात्रि लगभग 12:30 बजे 10-12 लोगों द्वारा भिंडी की सब्जी न मिलने पर होटल मालिक के साथ झगड़ा किए जाने के साथ ही उसे देख लेने की धमकी देकर चले गए। मीडिया से मुखातिब एएसपी रामकुमार कसवा के अनुसार कुछ समय अंतराल के बाद वापस आए बदमाशों द्वारा होटल पर जमकर तोड़फोड़ की, गले से लगभग 78,000 की लूट कर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस की मुस्तैदी के चलते निकटवर्ती ग्राम चतुर्भुज के पास घेराबंदी कर तीन मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। रात को करीब 12:30 बजे के आसपास कोटपुतली थाना क्षेत्र में पावर हाउस के सामने एक शर्मा पवित्र भोजनालय है, वहाँ पे करीब 10-12 लड़के खाना खाने के लिए आए। उन्होंने आके और जो ढाबा मालिक है उसको धमकाया कि हमें भिंडी की सब्जी चाहिए, वो दे नहीं पाया तो उसको धमका के चले गए कि हम वापस आएंगे। और ऐसा कह के वहाँ से जाने के बाद करीब घंटा भर बाद वो वापस वहाँ पर आए और उन्होंने आके जो ढाबा मालिक और उनके जो काम करने वाले लड़के थे उनके साथ मारपीट की और वहाँ पे फायर किया और उनके करीब 77,000-78,000 रुपये निकाल के ले गए, जिसके ऊपर पुलिस पहुँची और तुरंत प्रभाव से नाकाबंदी शुरू करवाई क्योंकि रात्रि का समय था। मैं और सीओ साहब दिनेश जी और एसएचओ साहब कोटपुतली दिलीप जी और उनकी पूरी टीम यहाँ से हमने नाकाबंदी करके उनका पीछा किया और जो साबी नदी है यहाँ पास में ही वहाँ पे उनके छुपने की संभावना पे हमने वहाँ पे चारों तरफ घेरा लगा के उनको पकड़ने की कोशिश की क्योंकि रात्रि का समय था तो ड्रैगन लाइट गाड़ियों की लाइट वगैरह से हमने उनको कवर किया और एक दो हमने जो स्टाफ साथ में थे उनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनाई क्योंकि हथियार होने की संभावना थी, सामने फायर भी हो सकता था। उसकी तैयारी के साथ में हमने इस ऑपरेशन को चलाया और करीब 2:30-3 बजे के आसपास हमने इसमें तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया है और जिसमें जान से मारने की धमकी और ये लूट की धाराओं में उनको आज हमने गिरफ्तार किया है। ये जो मुलजिम है तीन, इसमें एक ओम प्रकाश गुर्जर है, दूसरा विजय गुर्जर है, तीसरा सुमेर कुमार है जो यहीं आसपास के रहने वाले हैं। तीनों को हमने अभी गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इनके पास जो हथियार थे उनकी बरामदगी की जाएगी और इसके साथ में अन्य जो लड़के थे उनकी तलाश भी जारी है। ये आदतन अपराधी है, बालाकी नांगल का जो मेन लड़का है वो और इनके जो साथी है सभी आदतन अपराधी हैं और इनमें उम्मीद है 4-5 लड़के हैं, इनको सही से नामजद करके गिरफ्तार किया।